ब्लैक फंगाई, म्यूकोरमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस, रेयर फंगल डिजीजेस, ये सब क्या है? आप कुछ दिनों से न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि बहुत न्यूज़ में ये आ रहा है कि ब्लैक फंगाई कोई एक नई बीमारी आई है, या ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कोविड के टाइम में इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो एक डिजीज़ इन्फॉर्मेशन है ये समझाने के लिए कि ये बीमारी क्या है, बट इसमें आपकी हेल्प चाहिए कि आप वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये बीमारी क्या है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये डिजीज़ क्या है, ब्लैक फंगाई या म्यूकोरमाइकोसिस क्या होती है, इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके स्प्रेड कैसे होता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर म्योपा। तो म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर फंगल डिजीज़ है जो कि ग्रुप ऑफ मोल्ड या ग्रुप ऑफ फंगाई से ये फैलती है, जिसको म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे ये इफेक्ट कर सकता है। क्या है इसके टाइप्स में आप जाए? म्यूकोरमाइकोसिस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, ये इफेक्ट करता है हमारे साइनस और हमारे ब्रेन को। दूसरा टाइप है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, ये पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो हमारा लंग्स पे इफेक्ट करता है मोस्टली, और ये दो कॉमन टाइप्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। थर्ड टाइप है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हमारे डाइजेशन को इफेक्ट करेगा। फोर्थ टाइप है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा उस टाइम होता है जब आप सर्जरी हुई हो, आपके कट लगा हो, वुंड हो, अगर आप बर्निंग्स हुई हो आपको वहाँ पे उस एरिया में, तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उस टाइम पे ये क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। सबसे लास्ट है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ये वाइटल ऑर्गन्स में जाके ये इफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट में ये सब ये इफेक्ट करेगा। मेन रोल इसका बॉडी में इन्फेक्ट होने का, सबसे मेन रोल है इसकी इम्यूनिटी लो। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है उनको ये सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर किसी को पुरानी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर का इशू है, उन सब। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, डिपेंड करता है ये कौन से पार्ट इफेक्ट कर रहा है, उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्ट टाइप हमने जो पढ़ा था राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में, आपको सबसे पहले वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग मिलेगी, हेडेक मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, नेजल और साइनस बोथ, और आपको फीवर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की। तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस क्या करता है, हमारे बॉडी के लंग्स पे इफेक्ट करेगा, चिलनेस लाएगा चेस्ट में, ठंडक जिसको बोलते हैं, कंजेशन लाएगा, पेन लाएगा, कफिंग, स्नीजिंग, फुल इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और फीवर तो कंटिन्यूस बना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस की, कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अगर किसी भी पार्ट में अगर आपकी सर्जरी हुई है, अगर आपको सूचर्स लगे हुए हैं, और अगर आप बर्न हुआ है उस एरिया में आपको, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स अगर ये उस एरिया में इफेक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा रेडनेस, बर्निंग, नेक्रोसिस कंडीशन, जो कि वहाँ पे इनसफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस क्या करेगा, आपके एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूस कर सकता है। डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में होगा, चाहे वो आपके किसी भी ऑरिफेसेस से जाए या आपको इनहेल करें आप, उससे वो ब्लड स्ट्रीम में किसी भी वाइटल ऑर्गन्स पे ये जाके इफेक्ट करेगा, तो ये डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपको रेडनेस आ सकती है, आपको पेन हो सकता है उस लोकलाइज्ड वाइटल पार्ट पे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो आप इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोटेक्शन रखना है, आप उस इन्वायरमेंट को साफ करते टाइम में आपको मास्क पहनना है, आपको कोई भी अगर आपको जैसे कोई कट लगा है, इंजरी है, तो उस टाइम में आपको उसको कवर करके रखना है कि वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ना जा पाए। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सैनिटाइज करते रहना है अपने हाथ को, वॉश होने के बाद में, इन्वायरमेंट क्लीन होने के बाद में, आप ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को डिसइन्फेक्ट करने में, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग का बहुत शौक है, अगर आप उस एरिया में गार्डनिंग कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्लव्स पहनना है। दूसरी चीज़, अगर आपको चोट लगी है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको कवर को रखें। दूसरा, शूज़ पहन को, स्किन की
कोई इन्फेक्शन है तब आप गार्डनिंग के लिए प्रिकॉशियस रहें कि आप ना करें उसको। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन और न्यू पोस्ट करने का पुश मिलता है।